सर्कल कैंसर एक घातक और जानलेवा बीमारी है और यह बीमारी अब पूरे विश्व भर में फैल चुकी है, जिसके कारण आए दिन लोगों की मृत्यु होती रहती है। और इसलिए इसके रोकथाम और इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैंसर है क्या और आखिर आज के ही दिन क्यों मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत वर्ष 1933 में केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण द्वारा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया और अब ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है और लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में है। कैंसर इलाज अभी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन अगर थोड़ी सावधानी से इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसलिए यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को शिक्षित करने और इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने तथा हर साल लाखों लोगों को मरने से बचाने के लिए मनाया जाता है। 2014 में इसे विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्य 5 पर केंद्रित किया गया, जो कि कैंसर के कलंक को कम और मिथकों को दूर करने से संबंधित है। कैंसर तब होता है जब शरीर की कोशिकाओं के समूह अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं, तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। कैंसर 100 से अधिक तरीकों का होता है। दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग कैंसर से दम तोड़ते हैं, जिनमें से 40 लाख लोग समय से पहले ही मर जाते हैं। इसलिए समय की मांग है कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कैंसर से निपटने की व्यवहारिक रणनीतियां विकसित करना है। वर्ष 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों के बढ़कर प्रतिवर्ष 60 लाख होने का अनुमान है। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों में 25% कमी का लक्ष्य को हासिल किया जाए, तो हर साल 15 लाख जीवन बचाए जा सकते हैं।